फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। राजनीतिक दलों में बड़े नेता प्रायः यह कहते सुने गए हैं कि जिसका सर्वे में नाम होगा उसकी उसको टिकट मिलेगी। राजनीतिक दल बड़े बड़े सर्वे एजेंसियों से इस बात का सर्वे कराते हैं, इस क्षेत्र में कौन सा नेता लोकप्रिय है और जनता के संपर्क में कौन है। सर्वे का भय दिखाकर बड़ी पार्टियां नेताओं को क्षेत्र में सक्रिय भी रखती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से लिस्ट जारी हुई है उससे ऐसा लगता है कि सर्वे का कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया। क्या सर्वे में उनके नाम थे? दावे के साथ यह कहा जा सकता है कि जिन भी सर्वे एजेंसियों ने उन राजनीतिक क्षेत्र का सर्वे किया होगा उस क्षेत्र में जब उनके नाम की पूछताछ ही नहीं की गई होगी तो फिर सर्वे में उनका नाम कैसे आएगा। उदाहरण के लिए इंदौर एक सीट की ही कहानी को समझिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में खुद कहा कि मुझे तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मुझे टिकट मिल जाएगी और मैं चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता था, अब गली गली जाकर हाथ नहीं जोड़ा जाता, अब मैं बड़ा नेता हो गया। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से राजनीतिक सर्वे की वास्तविकता को आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस बार न सर्वे को महत्व दिया गया, न किसी नीति को महत्व दिया गया, न किसी सिद्धांत को महत्व दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बार सिर्फ एक बात पर फोकस कर रहा है कि एन प्रकारण मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से मजबूत बुनियाद रखी जाए। जिन्हें टिकट नहीं मिली उनमें से अधिकांश नेता भी यह कहते सुने गए कि सर्वे की बात सिर्फ बकवास है। सीधी से केदारनाथ शुक्ला की टिकट काट दी गई, सर्वे में उन्हीं का नाम था, लेकिन टिकट सीधी की सांसद रीति पाठक को दे दी गई। इस लिहाज से यह बात बड़ी प्रामाणिकता के साथ कही जा सकती है कि राजनीति में सर्वे का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। आपकी छवि चुनाव जीतने वाले नेता की होनी चाहिए तो आपको टिकट मिल सकता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सर्वे का कोई महत्व नहीं। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, YouTube, Twitter, Instagram पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।